क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि ये जो है ये एलसीआर सर्किट से रिलेटेड है. कहा गया है एलसीआर सर्किट बिहेव्स लाइक अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कंपेयरिंग इट विथ अ फिजिकल स्प्रिंग मास डैम्प्ड ऑसिलेटर हैविंग डैम्पिंग कॉन्स्टेंट बी. द करेक्ट इक्विवेलेंस वुड बी. एक्चुअली में दो डिफरेंट सिस्टम है, एक है डैम्प्ड ऑसिलेटर और दूसरा जो है वो है एलसीआर सर्किट. दोनों कहा गया इसमें कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो दोनों में जो क्वांटिटी जा रही है, जो कई सारे कॉन्स्टेंट्स आते हैं उनको रिलेट करना है कि किस इसके इक्विवेलेंट उसमें कौन सा टर्म आएगा, है ना. जैसे मैं सिस्टम बताता हूँ, देखेंगे यहाँ पर जो है एक स्प्रिंग मास सिस्टम है. ये जो ब्लॉक है वो किसी लिक्विड के अंदर रखा गया है. तो अगर केवल स्प्रिंग मास सिस्टम होता, ये लिक्विड नहीं होता, तो हम लोग लिखते थे रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसे लिखते हैं. लेकिन अगर यहाँ पर कोई लिक्विड आ गया है जो कि विस्कस लिक्विड है, तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे इसी एनर्जी को लॉस कराएगा, तो इसमें डैम्पिंग होगा, इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाएगा, घटते 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 ये रुक जाता है ना. तो होता क्या है, जो विस्कस फोर्स है वो एक्चुअली में वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और इसलिए इसमें एक और फैक्टर आ जाता है, वो आता है माइनस बी इंटू वी. इसमें जो बी है इसको बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट. यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट बी दिया हुआ है, ठीक है. तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स ये होता है, रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स माइनस बी वी. मास जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग लिखते हैं डी टू एक्स बाई डी टी टू. इनको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो आएगा प्लस के एक्स प्लस बी, और ये जो वी है वी को लिखा जा सकता है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो. ये आ गया, है ना. इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना. ये हो गया एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसा ही इक्वेशन इस एलसीआर सर्किट में भी आएगा. ये है रजिस्टर, ये है कैपेसिटर और ये है इंडक्टर. इसमें कोई बैटरी नहीं है, ठीक. हम लोग एक पढ़ते हैं एलसी ऑसिलेटर पढ़ते हैं. एलसी ऑसिलेटर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस नहीं होता. ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर जो है एनर्जी को लॉस नहीं कराते. उसमें क्या होता है एलसी ऑसिलेटर में, एनर्जी कभी इंडक्टर में होता है कभी कैपेसिटर में होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता. जैसे हम लोग पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी टोटल कॉन्स्टेंट रहती है. तो एलसी ऑसिलेटर में भी टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पर ये एलसीआर ऑसिलेटर है, एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पर एनर्जी का लॉस होता है. तो धीरे धीरे सिस्टम की एनर्जी यहाँ पर लॉस हो रही होगी, तो एनर्जी सिस्टम की घट रही होगी, है ना. तो इसमें जो है इसमें भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, वो निकालते हैं. पहले मैं जो किचॉफ का लॉ होता है वोल्टेज लॉ, उसको मैं अप्लाई करता हूँ. मान लेते हैं कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है ना. यहाँ का पोटेंशियल ले लेते हैं जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक जीरो है. इसके आगे इधर जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ. तो जीरो माइनस आई इंटू आर, ठीक. इसके आगे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्यू बाई सी. मान लिया इस पर चार्ज क्यू है किसी इंस्टेंट पर, ठीक. माइनस यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी, एल एल डी आई बाई डी टी. और यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल होगा जो कि जीरो के इक्वल होगा, है ना. तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू जीरो, है ना. अब हमें पता है कि इसमें जो आई होता है, आई को मैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो जो डी आई बाई डी टी होता है उसको मैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डी टू क्यू डिवाइडेड बाई डी टी टू, है ना. दोनों तरफ मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया. अब ये वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं, एल डी आई बाई डी टी को मैं रखूंगा ऐसे डी टू क्यू डिवाइडेड बाई डी टी टू प्लस क्यू बाई सी प्लस आई को रखेंगे डी क्यू बाई डी टी डी क्यू बाई
dt into r is equal to 0. ठीक, अब देखेंगे कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो देखेंगे यहां पर x का डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां पर q का डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां पर x है तो यहां पर q है, यहां पर x का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, यहां पर q का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, है ना। तो मतलब x को q से रिप्लेस किया गया है यहां पर, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पर डबल डिफरेंशिएशन के साथ में जो कांस्टेंट है वो है m, और डबल डिफरेंशिएशन के साथ में यहां पर जो कांस्टेंट है वो है l, तो m और l एक दूसरे के इक्विवेलेंट कह सकते हैं। उसी तरह से x के साथ में कांस्टेंट है k, यहां पर q के साथ में कांस्टेंट है 1 बाई सी, है ना। तो जो k है वो किसके इक्विवेलेंट है, 1 बाई सी के। ठीक, अच्छा, ये जो dx बाई dt है इसके साथ में कांस्टेंट है b, है ना, इसके साथ में कांस्टेंट है b, और dq बाई dt के साथ में कांस्टेंट है r, तो जो b है वो इक्विवेलेंट टू r है, है ना। तो यहां पर जैसे ऑप्शंस में देखेंगे आप, तो यहां पर बताया गया है, एक तो हो गया कि l इक्विवेलेंट टू m, और ऐसा कह सकते हैं c इक्विवेलेंट टू 1 बाई k, इन दोनों को उल्टा कर देंगे, है ना, और ये है r इक्विवेलेंट टू b। ये जो पार्ट है आप देखेंगे कि ऑप्शन a में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन जो है यहां पर दिया गया है l इक्विवेलेंट टू m, c इक्विवेलेंट टू 1 बाई k, r इक्विवेलेंट टू b, यही अपना वहां पर आया है।